नमस्कार दोस्तों, अगर आप 12% क्लब में इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका पैसा 12% क्लब में डूब सकता है या फिर नहीं। साथ ही साथ इसमें जो है सो क्या क्या तरह से काम करता है, क्या क्या रिटर्न है आपको, क्या क्या प्लान है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से इसके बारे में समझाने वाला दोस्तों। ये चीज मेरे से बेटर आपको भी कोई समझा पाए, क्योंकि मैंने पर्सनली भी इसमें काफी समय तक इन्वेस्ट करके अपना पैसा रखा है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बस एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा, आप जैसे और लोग इस वीडियो को देखेंगे और लोगों का भला होगा दोस्तों। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो 12% क्लब का रिस्क को समझने के लिए दोस्तों आपको ये समझना होगा कि आपके पैसे के साथ 12% क्लब आखिर करती क्या है, क्या होता है आपके पैसे का यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें 12% क्लब की, तो 12% क्लब खुद जो है सो एक पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इन्होंने पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि लिक्विड लोन्स और लेन देन क्लब के साथ पार्टनरशिप कर रखा है दोस्तों। ये खुद ही ये चीज को दिखाते हैं, आप क्लियरली अपने जो है एप्लीकेशन में या फिर इनके वेबसाइट पे भी देख पाओगे। तो यहाँ पे 12% क्लब दोस्तों अस ए मीडिएटर काम करती है, बस एक जो है बीच का एजेंट के तरह यहाँ पे काम करती है। तो अब समझते हैं दोस्तों कि इनका जो पार्टनर है, जो एक्चुअल में आपके पैसे को इन्वेस्ट करवाता है, वो आपके पैसे के साथ क्या करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर लेन देन क्लब का या लिक्विड लोन्स का अगर सिस्टम को देखिएगा दोस्तों, तो वो क्या है, यहाँ पे पी टू पी लैंडिंग प्रिंसिपल पे काम करता है दोस्तों। पी टू पी लैंडिंग सिस्टम क्या होता है कि आप जो है सो पैसा देना चाहते हो, कोई पैसा लेना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म क्या करती है, दोनों को लिस्ट कर देती है, पैसा देने वाले को और लेने वाले को। ठीक है, तो लेने वाला जो है सो देने वाले से यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों, और दोनों का यहाँ पे काम हो जाता है। तो जो पैसा लिया है वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करेगा लोन पे, वही इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो आपका रिटर्न्स बन जाता है, और उसी इंटरेस्ट में कुछ कमाई ये बीच के जो है एजेंट करते हैं दोस्तों, कुछ इंटरेस्ट वो काट लेते हैं और बाकी बचा खुचा आपको देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से पूरा सिस्टम काम करता है। अब एक चीज आपको समझ आ रहा होगा कि आपका जो पैसा है वो किसी आदमी को दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जो आपका रिस्क है वो भी उस आदमी पे डिपेंड करता है। अगर वो आदमी जो है जो डिफॉल्ट कर जाए, फिर आपके पैसे के साथ क्या होगा, उस केस में आपका पैसा डूब सकता है दोस्तों। बिल्कुल, ये जो है बहुत से लोग आपको ये भी कहेंगे कि बैंक में रखने के वजह पैसा आप यहां पे रखो, लेकिन बैंक में हमें 100% सेफ्टी मिलती है, यहाँ पे 100% सेफ्टी नहीं मिलती दोस्तों। यहाँ पे जो लोन लिया है उस पे आपका रिस्क डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, इसी रिस्क को कम से कम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स क्या करती है कि आपके पैसे को एक ही आदमी को ना देकर मल्टीपल लोगों में थोड़ा थोड़ा करके बांटती है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया है पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म में, तो वो क्या करेगी कंपनी, एक ही आदमी को आपका पूरा 1 लाख ना देकर 10 या 20 लोगों में थोड़ा थोड़ा करके बांट देगी, जिससे आपका रिस्क है दोस्तों वो 10-20 लोगों में बढ़ जाएगा, और उसमें 1-2 अगर डिफॉल्ट भी करेगा तो आपको मानते हैं 5-10 हजार का नुकसान होगा, ना कि सारा पैसा वहां पे डूबेगा दोस्तों। लेकिन फिर भी काफी यहाँ पे ये चीज रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, अगर कंपनी आपको 10-11% का रिटर्न दे रही है, तो वो जो है सो बोरोवर से कितना चार्ज करती होगी, मिनिमम 15-18% जो है चार्ज किया जाता है दोस्तों। तो कोई भी आदमी इतना बेवकूफ तो नहीं हो सकता है कि अगर उसको बैंक से लोन 9% 10% में मिलेगा, तो यहाँ पे किसी भी प्लेटफॉर्म से जाकर यहाँ पे 15% और 18% में लोन लेगा। तो जाहिर सी बात है ये ऐसे लोग यहां से लोन उठाते हैं दोस्तों जिसको बैंक ने ऑलरेडी मना कर दिया है। ठीक है, बैंक लोन देना नहीं चाहती है। ठीक है, तो एक तरह से इनका जो डिफॉल्ट करने का रिस्क होता है दोस्तों काफी बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क ज्यादा देखने को मिलता है, और यही कारण है कि मैं भी जो 12% क्लब में अपना यहाँ पे मैंने लगभग 40,000 के आसपास इन्वेस्ट करके एक समय में रखा था, वो सारा अभी विड्रॉ कर लिया दोस्तों। अभी पर्सनली मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। म्यूचुअल फंड, अगर आप कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड का सिस्टम आप समझोगे, तो आपको ज्यादा इससे बहुत ज्यादा सेफ भी लगेगा, और प्लस यहाँ पे
म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी रिटर्न्स मिलता है आपको 12% क्लब में, यहाँ पे तो तीन प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 10% एक में देता है, एक में 10.5% देता है, और एक में 11% देता है। दोस्तों जो भी प्लान में आपको यहाँ पे रिटर्न्स दे रहा है वो सारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, सिंपल रिटर्न्स। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज का भी ब्याज, और इसके वजह से लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बहुत ही ज्यादा जो है सो ग्रो करता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक ढंग से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाता है दोस्तों। ऐसे ही नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर कहा था दोस्तों, और इसीलिए म्यूचुअल फंड में मैं स्विच हो चुका हूं। म्यूचुअल फंड में आपको एक चीज यहाँ पे जो है सो अलग, या फिर आप समझ लीजिए डिफरेंट देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे आपको रोज जो है जो भी इंटरेस्ट बनता होगा वो बढ़ता हुआ ही दिखता होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं होगा दोस्तों, वो मार्केट के हिसाब से चलेगा, ठीक है। जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको वहां पे नुकसान होता हुआ भी दिखेगा, ऊपर जाएगी तो फायदा होता हुआ दिखेगा, लेकिन ओवरऑल आपका जो रिटर्न्स 1 साल 2 साल में बनेगा वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप आज का मेरा रिटर्न देखोगे म्यूचुअल फंड का, तो 100 कुछ रुपया यहां पे देखने को मिल रहा है। अगर यही चीज मैं आपको कल दिखाऊंगा तो हो सकता है मार्केट अगर नीचे चल जाए तो नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं पैसे 1 दिन या 2 दिन के लिए यहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। और लॉन्ग टर्म का अगर आप मेरा रिटर्न्स देखोगे तो 5-7 हजार का आपको यहां पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा चीज है दोस्तों। शॉर्ट टर्म जैसे एक महीना 2 महीना के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग तरह का म्यूचुअल फंड आता है जिसको लिक्विड म्यूचुअल फंड कहते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड बोलते हैं दोस्तों, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड आपके सभी इन्वेस्टमेंट नीड को पूरा कर सकता है विथ लेसर जो है सो रिस्क और हायर इंटरेस्ट दोस्तों। तो जो प्लेटफॉर्म मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्ट करता हूं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप चाहो तो वहां से पे जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो दोस्तों। वहां पे अकाउंट खुलवाने का ये बेनिफिट होगा बाकी अदर जो है म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म से, यहां पे आपको एक डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड जो है एक्सपर्ट दिया जाएगा दोस्तों, जो कि सर्टिफाइड होगा, रजिस्टर्ड होगा, वो आपके पर्सनल जो है इन्वेस्टमेंट नीड और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड जो है सो सजेस्ट करेगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाकर अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाओगे तो मैं ही आपका जो है सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा दोस्तों, और मैं ही आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में हेल्प करूंगा। अगर आप मेरा पूछोगे तो मैं एक जो है सो NISM सर्टिफाइड और MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं दोस्तों। मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप चाहो तो इसे देख सकते हो दोस्तों। तो जाइए अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खुलवाइए और इन्वेस्टमेंट आज ही चालू कीजिए। म्यूचुअल फंड सही है।